राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू संस्कृति को शश्वत नमन करते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत कहते हैं, एकादशी व्रत करने से बहुत सारे व्रतों का फल मिल जाता है। अगर आप इस एकादशी व्रत को करते हैं तो आपको पूरे वर्ष की गई एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्पन्ना एकादशी की। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी कब है, उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त और उससे जुड़ी पौराणिक कथा, साथ ही साथ जानेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ काम की बातें। तो उम्मीद करूंगी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी और जो भी भक्त एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत भी की जाती है। एकादशी व्रत का समय और या फिर मुहूर्त कब है, किस दिन इस व्रत को करना है। इस बार एकादशी व्रत जो पड़ रहा है वो 20 नवंबर को पड़ रहा है, दिन रविवार। मार्गशीर्ष एकादशी तिथि की जो प्रारंभ है वो है 19 नवंबर 2022 को सुबह 10:29 से। उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 20 नवंबर 2022 को, क्योंकि सुबह 10:41 पर व्रत का समापन हो जाएगा। लेकिन जो द्वादशी के साथ एकादशी तिथि पड़ रही है और प्रातः मुहूर्त में जो तिथि होती है वो उसी दिन मान्य होती है, तो व्रत इस बार 20 तारीख में रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का जो पारण का समय है वो है 21 नवंबर को 6:48 से 8:56 सुबह के। 21 नवंबर को द्वादशी व्रत का समापन होगा 10:07 पर। तो 20 तारीख में आप व्रत रखेंगे और 21 तारीख में अगर इसका आप समापन करते हैं तो सुबह को इसका समापन होगा। देखिए, एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं, कुछ काम की बातें भी होती हैं। जैसे कि उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर संभव हो, आपके पास गंगा जल हो, तो पानी में गंगा जल डालकर जरूर स्नान करना चाहिए। इससे पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रों में उत्पन्ना एकादशी का नाम वैतरणी एकादशी भी बताया गया है। अतः उत्पन्ना एकादशी माता की कथा पढ़ने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के पश्चात भोजन ग्रहण करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखने से मान्यता है के अनुसार इस दिन श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी के पूजन से जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री विष्णु का भजन कीर्तन अवश्य करें। इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें, क्रोध ना करें, किसी का बुरा ना सोचें और ना ही बुरा करें। सभी के प्रति आदर सत्कार की भावना रखें। इस दिन सात्विक भोजन करें, मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही चाहिए। भोग लगाते समय श्री विष्णु को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं तथा प्रसाद अर्पित करते समय तुलसी को जरूर शामिल करें। माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु प्रसाद ग्रहण नहीं करते। इस दिन फलाहार खाने, पूरे दिन निराहार रहकर सायंकाल कथा सुनना तथा फलाहार खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपकी कोई विशेष इच्छा हो तो भगवान से उससे पूर्ण करने की आप निवेदन भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत में चावल खाना बहुत ही गलत बताया गया है। एकादशी व्रत में भूल कर भी चावल और चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ काम की बातें। अब बात करते हैं एकादशी व्रत की पौराणिक कथा की। बोलो श्री हरि नारायण की जय। उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार सतयुग में एक मुर नामक दैत्य था जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया। भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो शिव जी ने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने को कहा। क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे श्री हरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना पर उठे और मुर दैत्य को मारने
चंद्रावतीपुरी नगर गए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए। मुर ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उसने मुर दैत्य का वध कर दिया। जागने पर श्री हरि को उस कन्या ने, जिसका नाम एकादशी था, बताया कि मुर को श्री हरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा है। खुश होकर श्री हरि ने वैतरणी उत्पन्ना एकादशी देवी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की ये कथा पुराणों में वर्णित है। इस एकादशी के दिन त्रिष्प्रम यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो, वह बड़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 101 व्रत का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा। इस एकादशी का इतना अधिक महत्व है कि अगर आप इस व्रत को कर लेते हैं तो आपको पूर्ण जन्म में किए हुए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। बोलो श्री हरि नारायण की जय। तो दोस्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, कथा और कुछ कार्य जो आपको करने चाहिए और कुछ कार्य ऐसे जो आपको नहीं करने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बोलो श्री हरि नारायण की जय। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते हिंदू रिचुअल्स।